हेलो हसीना जी, हम जानते हैं कि वह अचानक हमारी आवाज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यह समय उन सवालों का नहीं है। हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें यह बताइए कि क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ, हमारे पास है। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी। सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उस हार्ड डिस्क में सक्रिय गुप्तचरों की एक लिस्ट है, जो अगर देश के दुश्मनों के हाथ लग गई तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी क्षति होगी हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए। उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए हमारे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हसीना जी, आपकी जान को खतरा है। क्या? वो आदमी सत्या, असली नाम विक्रांत, घनिष्ठ मित्र था हमारा। दुश्मनों को पता चल गया था कि वो हार्ड डिस्क उसके पास है, उसी कारण उसकी जान गई। और अब दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हार्ड डिस्क आपके पास है हसीना जी, और उस हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए वो हर संभव असंभव प्रयास करेंगे। इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। निकलिए आप वहां से। देखिए, हम थाने में, इससे सुरक्षित जगह और क्या? हसीना जी, आपके थाने के 2 पिस्तौल, 4 राइफल, 2 डंडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप निकलिए वहां से। तो आज का मेरा ये संदेश यहीं खत्म होता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मैडम सर। आपके लिए बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, आपके लिए डिसमेंटल भी हो सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। इस लिस्ट में आपका नाम भी है। आपने कभी बताया नहीं कि आप? नहीं हसीना जी, ये समय बातों का नहीं है। आप कृपया करके वहाँ से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए, और जहाँ पर भी आप जाएंगी उस जगह के बारे में भी किसी को मत बताइएगा। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। और हाँ, एक बात और, जीवित रहिएगा। बहुत कुछ है जो आपसे कहना है। जय हिंद। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये मैडम सर अचानक से कहाँ चली गई? नहीं, अच्छा है ना, तब तक बाकी की जो तैयारियां बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और चीता और पुष्पा जी भी आ जाएंगे ना केक और गिफ्ट लेके। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। तो हम, हाँ, तुम तैयारी करो, हम आते हैं, हम आते हैं। ओके मैडम, आपका जैकेट। धन्यवाद। मीरा मैडम कहाँ जा रही है? अभी इतना सारा काम पड़ा है। करिश्मा से क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों? हाँ माफ कीजिए मैडम सर, पर
हमें ऐसा लगा कि हमें आपके साथ होना चाहिए, मतलब आप जब निकली ना थाने से तो ऐसा लगा हमें हम आ जाएं आपके साथ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम बस ऐसे ही कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। नहीं मतलब हम आपके साथ आ जाते हैं लेकिन हम आपके काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, बस आपके साथ हम आना चाहते हैं। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम बिल्कुल ठीक है, हम यूं गए हम यूं आए, अब वापस जाइए ओके। नहीं मैडम सर, हम जान सकते हैं किस काम से जा रही है, मतलब हम आपके साथ आना चाहते हैं। हम बहुत जरूरी पर्सनल काम से कहीं जा रहे हैं, हम आपको क्या हम किसी को भी वहाँ नहीं ले जा सकते, आप इत्मीनान रखिए, हम वापस आकर आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है अभी आप जाइए। नहीं मैडम सर, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो आप हमें नहीं ले जा सकती है। हम वापस आकर बात करेंगे। नहीं, नहीं, आप वादा कीजिए मैडम सर कि आप अब वापस आएंगे। करिश्मा सिंह क्या हो गया है आपको, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बस वादा कीजिए मैडम सर कि आप वापस आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है अब जाइए जाइए जाइए। जाते पता नहीं हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कुछ तो बात है जो मैडम सर हमसे छुपा रही हैं। मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टम हैक हो गया है, सेल्फ असेसमेंट पर जाओ और पता लगाओ किसने। मुझे आपको मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी।
आप आंखें बंद मत कीजिए, आप हमारी बात सुन रही है ना, आंखें बंद मत कीजिएगा, हिम्मत हिम्मत मत हारिएगा, हमारे साथ बने रहिए बस। आपको पता है थाने में सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैडम सर। आपका नहीं, आंख बंद मत कीजिए मैडम सर प्लीज। आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है आपके आपके बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रही है, आपको इसलिए हम बता नहीं रहे थे, आपके लिए सब बर्थडे सरप्राइज ना सब प्लान कर रहे हैं। सुन रही है आप हमारी बात को? हे भगवान, मैं आपको बता दिया, आपके बाद किसी को बताइएगा मत थाने में, वो सब लतार देंगे हमको। मैडम सर आंखें बंद मत कीजिए, अभी हमें जाना है, अभी आपका केक काटना है हमें अभी। ये कौन है बे? नहीं मैडम सर, आप आंख बंद मत कीजिए, आंख बंद मत कीजिए, बने रहिए बस बस बस, आने वाला हॉस्पिटल, आने वाला हॉस्पिटल। जैकेट पर खून, आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ, बोल बोल क्यों नहीं रही है कुछ? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैडम सर कहाँ है? इनकी जैकेट पे हारम सर का खून है। क्या हुआ मैडम सर को? नहीं रही।
चली गई मैडम सर, हमेशा के लिए। हम सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चली गई मैडम सर। प्रैंक है ना? हाँ, प्रैंक है ना ये। आप और मैडम सर मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बट आई एम बिलू द स्पाई, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। कहाँ है मैडम सर? अरे बुलाइए मैडम सर को, हम लोग पकड़ लिए हैं। झूठ बोल रही है आप। देखिए हम लोग तो ये सब फोड़ दिए, सजावट भी किए। कहाँ है मैडम सर? ये सच कह रही है। इनकी हार्ट बीट, बॉडी लैंग्वेज और पल्स रेट यही बता रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम सर। हम सबको छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकती। अरे यार जन्मदिन है उनका, इतनी सारी तैयारी करके रखी। अरे सुबह से ये सब तैयारी करते करते हमारी कमर अकड़ गई। और ये मैडम कह रहे हैं कि मैडम सर अब नहीं। ठीक है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, बन गए हम सब बेवकूफ। हाँ, दुनिया के लिए होंगी वो देर, गंभीर, विद्वान मैडम सर, मगर हमारे लिए तो हमारे बच्चे, हम माँ माँ है उनकी। अरे हम जानते हैं उनके अंदर ना एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है। ये सब जो प्रपंच किया है ना, उसी शरारती बच्चे ने किया हमें सताने के लिए। ये सारी तैयारी देखकर उनके अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। हम सब मिलकर केक काटेंगे, जमकर पार्टी करेंगे, जमकर रसगुल्ले भी खाएंगे। फिर आपके सरप्राइज के बाद ना, हम ये जो ताबीज है ना, उनके हाथ पर बांध देंगे उनकी रक्षा करने के लिए। और एक बार उनके हाथ पर ये ताबीज बन जाएगा ना, फिर देखना कोई आला बोला उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। और ये मैडम कह रही कि मैडम सर ने, अरे कहीं कहीं नहीं गई है वो बस आती होंगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बात कर रही है ये सपना है ना, मैं सपना देख रही हूँ ना चीते। आपको पता है मैडम, अभी मैं आंखें खोलूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर कहीं नहीं जा सकती हमें छोड़ के। उनको अब ये सपने के बारे में बताऊंगी ना तो वो हंसेंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, आपको पता है उन्होंने प्रॉमिस किया था अंदर मुझे कि वो कल बीट पर जाएंगे मेरे साथ और हम वो नया चाट वाला खुला है ना वहां पे चाट भी खाएंगे। वो कहीं नहीं जा सकती। ये मुझे बहुत गंदा सपना आया, ये बहुत बुरा सपना है। मुझे जगा चाहिए, मुझे उठा जागना है। संतोष ये सच नहीं है सपना, ये सच है। मैडम सर नहीं है, मैडम सर चली गई, मैडम सर कभी नहीं आएगी, वो हमें कभी नहीं दिखेंगी, वो चली गई। बोलते अगर हम उन्हें अपनी आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ नहीं देखते तो वो चली गई। क्यों अपनी आंखों के सामने खाई में गिर रही थी, हमारे सामने मर गई, हम कुछ कर नहीं पाए, हम पकड़ नहीं पाए उनको, चली गई वापस।
मारी हमें खुद पे कि हम उनको बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को। चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे हमारे आंखों के सामने कभी भी। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। वहां कहां देख रहे हैं, यहां देखिए इस तरफ। मैडम सर, चौंक गए ना आप सब। आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। क्या लगा आप सबको कि आप चुपके चुपके हमारी पीठ पीछे हमारा ही सरप्राइज बर्थडे प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम अच्छे से जानते थे कि आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन हमारा जन्मदिन नहीं भूल सकते। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए आप सबको सरप्राइज करने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर दिया और मीरा से कहा कि सही समय पर आप सबको ये दिखाए। दरअसल हम आप सबसे जो कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। पता है हमारी अम्मी कहती है कि शायद हमारा आप सबसे किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, और हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, इतनी सारी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहें ना तो हमारी जिंदगी इस वक्त, इस पल अगर खत्म भी हो गई तो हमें बहुत दुख नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस जिंदगी में हम आप जैसे लोगों से मिल पाए, आप सबके साथ थोड़ा ही सही वक्त बिता पाए, और उतना ही काफी है। इस एक पल की जिंदगी में हमने आपके साथ न जाने कितनी जिंदगियां जी ली। सो प्लीज इसी तरह हमसे प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी। मैडम सर, इसका मतलब हसीना मलिक ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया, उसने वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क कहीं छुपा दिया। लेकिन वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे पर कैसे, ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढेंगे कैसे, हसीना मलिक मर चुकी है। बिले केक लाओ। हाँ? केक लाओ यहाँ पे। हमें ऐसे मत देखिए, जो हम करने के लिए कह रहे हैं ना वो कीजिए। जाइए। आप ठीक तो है, सब तो पानी लेकर। नहीं, हम ठीक है, हम बिल्कुल होश आवाज में। यहाँ पे केक आएगा, केक कटेगा, जैसे होने वाला था बिल्कुल वैसा ही होगा, और मैडम सर का केक कटेगा। मैडम सर इस दुनिया में नहीं है ये बात हम सबको पता है, लेकिन इस बात का आभास इस थाने से बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। मैडम लेकिन ये सब करने से क्या होगा? मैं इससे क्या होगा, मैडम सर को ना रास्ते से हटाया गया, शायद मैडम सर कुछ ऐसा जान गई थी जो उनकी मौत का कारण बना है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर जैसे इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा। उनको कुछ पता था, कुछ ऐसा पता था जो अगर हम सबको पता चलता तो वो गलत हो जाता, इसलिए उन लोगों ने मैडम सर को मार दिया। अगर मैडम सर की मौत का खबर आम हुआ तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, और फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं पुष्पा जी हमारी बात को?
और अगर हमें उन लोगों तक पहुंचना है तो ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उनको पता चलेगा कि मैडम सर जिंदा है और उन्होंने अपने बर्थडे का केक काटा है, तो वो लोग यहाँ आएंगे, मैडम सर को दोबारा मारने का प्रयास करेंगे, और तब जब वो हमारे सामने आएंगे ना, तो वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ये राज ही रखना है, ताकि हम उन सभी टोपा के पीछे पड़ सके और उनको जान से मार दे, अपने हाथों से मार दे। समझ गए सब? कैंडल लगा, चला दो। मैडम से जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है मैडम से, कुछ नहीं हुआ। तुम तो खा नहीं सकते, तुम तो मशीन हो ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा, मैडम सर यही है, वो इस दुनिया से कहीं नहीं गई है, वो सबके साथ है। समझ रहे हो? यही है वो जगह। रोने तो आए नहीं है, मातम बनाना है तो थाने जाके बनाइए वापस, यहाँ नहीं। यहाँ हम तफ्तीश करने आए हैं, हम वो तफ्तीश करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैडम सर वो दुनिया के लिए थी, हमारे लिए हमारी बच्ची थी वो। शिव जी जानते हैं हमने उन्हें कभी आपसे कम नहीं समझा। बच्ची चली गई है, बच्ची खोई है हमने। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। हमारा दिल दुखता है, हमारे कलेजे में दर्द होता है, हम आपकी तरह पत्थर दिल बेदर्द नहीं हो सकते। दर्द की सीमा कौन तय करता है पुष्पा जी? एक दर्द होता है जो 3-4 दिन में रोध होके निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और एक वो दर्द होता है जो हर पल, हर सेकंड, हर एक कदम पर ना आपको, आपका जो वो जख्म है ना, उसको कुरेद कुरेद के ताजा करता है और आपको याद दिलाता है उस इंसान की जो आपके लिए कितना खास था, कितना जरूरी था आपके लिए, जिसके वजह से आपका वजूद था, वो इंसान आपके सामने मर रहा था और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, वो दर्द समझ रही हैं आप? वो दर्द सहन नहीं होता है, असहनीय होता है, वो दर्द हम झेल रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं। तो कौन सा दर्द बड़ा हुआ बताइए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल ये सहानुभूति नहीं चाहिए, बिल्कुल तसल्ली नहीं चाहिए आपकी। पता है हम सोच रहे थे कि मैडम सर के जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम काहे जिंदा है ना, हमको भी मर जाना चाहिए था ना उनके साथ, हम क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन फिर जब हमने सोचा तो हमें समझ में आया, हम इसलिए जिंदा है पुष्पा जी क्योंकि हमें ढूंढना है उन लोगों को जिन्होंने मैडम सर का ये हाल किया है, जिनकी वजह से आज मैडम सर हम सबके बीच में नहीं है, वो लोग, उन लोगों को ढूंढना ये हमारा काम है। और हम ना उन लोगों को ढूंढ के रहेंगे और यहाँ इसी जगह आके गाड़ देंगे जहाँ उन्होंने मैडम सर के साथ ऐसा। तफ्तीश शुरू करते हैं, चलिए।
और दो है पुष्पा जी, ढूंढिए मिलेंगी। पुष्पा जी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। रखिए इसमें रखिए। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, यहाँ जाके खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए। मैडम सर को गोली ना पुष्पा जी, वो यहीं से लगी होगी। हाँ गोली मारने वाला यहाँ खड़ा होगा, अब मैडम सर यहाँ खड़े हैं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने बंदूक ताना हुआ आप पे, खुद को बचाने की जगह पूछ रही कि हम क्या कर रहे हैं पुष्पा जी। हाँ तो चौक गए थे ना हम। चौक का है गए थे? चौक गए का मतलब क्या है? अरे हम आपसे थोड़ी ना उम्मीद करते कि आप हम पर बंदूक तानेगी, हम पर गोली चलाएंगी, हम चौकेंगे ही ना। पुष्पा जी मैडम सर को 3 गोलियां लगी थी। इंसान एक गोली के बाद भी अपने आप को बचाने का कोशिश करता है या भागने का कोशिश करता है, लेकिन लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आप इसलिए नहीं भागे क्योंकि वो हम थे, हमने बंदूक ताना था आप पे, आप भरोसेमंद। इसकी मैया का सासू मर गया, इसका मतलब मैडम सर पे जिसने बंदूक ताना था वो भी कोई कोई भरोसेमंद इंसान था। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे मैडम सर बिल्कुल उम्मीद नहीं करती थी कि वो इंसान गोली मारेगा मैडम, कोई 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 अपना इंसान। इसकी मैया का कौन है ये इंसान, कौन है ये अपना इंसान? पुष्पा जी हमें इसको ढूंढना है। जोक, 3 चींटियां रास्ते में बैठ के बात कर रही थी, तभी वहां से एक हाथी गुजरा, तो उनमें से एक चींटी ने कहा, ओ हाथी मुझसे कुश्ती लड़ोगे? तो बाकी की चींटियों ने कहा, अरे रहने दे बेचारा अकेला है। बिल्लू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। I love you, बिल्लू जी। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे? झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ। क्यों? क्योंकि आप सैड हैं और मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि हमें अपनी किसी भी बात से ये पता नहीं चलने देना है कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इसलिए मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ सब कुछ ठीक लगे। मैं सोचे नहीं था कि ऐसा बोलेंगे, लेकिन आज जिंदगी में पहला बार ऐसा फील हो रहा ना मैडम। काश हम भी मशीन होते, कम से कम उतना तकलीफ तो नहीं होता जितना हो रहा है। अगर तकलीफ से आपका मतलब हसीना मैडम को खोने का पेन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो पेन मुझे भी उतना ही है जितना आपको है। ये भी झूठ है ना? नहीं ये सच है, मुझे भी हसीना मैडम को खोने की तकलीफ है, लेकिन मुझे नॉर्मल रहने का ऑर्डर दिया गया है करिश्मा मैडम के थ्रू, इसलिए मैं नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रही हूँ। पर कैसे मैडम, आप तो एक मशीन है, आप कैसे फील कर सकती हैं? नहीं जानती पर फील कर रही हूँ और नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, आप सबको भी करनी चाहिए, इसलिए प्लीज स्माइल, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्माइल, जरूरी है। गुड, अब आप लोगों को वही करना चाहिए जो आप लोग रोज करते हैं, जाके बदनाम की चाय के ठिए पे बैठना चाहिए और रोज की तरह बकवास जोक, बेहुदा मजाक, चुगली और बेमतलब की नॉनसेंस बातें करनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें शक होगा और जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट।
वो वहां वाला झूठ था। दुनिया की बेस्ट बिरयानी खाइए। ये सब क्या चल रहा है यार? क्या हुआ? हसीना मलिक के मरने की खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी, लेकिन पूरे पेपर में उसके मरने की खबर कहीं भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? देखा 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 देखा, बात तो सही है यार, लेकिन एक बात बता, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उस मशीन वाली पुलिस वाली ने 3 गोलियां मारी थी, 3 गोलियां लगने के बाद कोई कैसे बच सकता है यार? और वो गाड़ी याद है ना तुझे, कितना ऊपर से खाई में गिराई थी। चलो मान लो 3 गोली के बाद कोई बच भी गया। अरे तो इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई बचेगा क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। जो क्या था ये जो? बता 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 क्या होता है। 2-3 चिटियां चल रही है अपने रास्ते से। इन लोगों को देख रहे तू? अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ होता तो ये लोग यहाँ बैठकर ऐसे टाइम पास कर रहे होते क्या? ना। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मरी नहीं तो गई कहाँ? क्या करें यार? अरे तू टेंशन मत ले, कैप्टन ने बोला था ना, अब जो करेगी उसकी मशीन वाली पुलिस वाली करेगी। अरे हार्ड डिस्क कहाँ है, हसीना मलिक कहाँ है, अरे वो जैसे करना वो करे, तू टेंशन मत ले। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। ये क्या हो रहा है? मेरे डेटा से लास्ट मेमोरी मिसिंग क्यों है? क्या था उस आखिरी मेमोरी स्टोर में? किसने की मेरी मेमोरी इरेज? कोई मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। कमांड ओवर पावर, प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई सिस्टम, मेन्यू अलर्ट। ये क्या हो रहा है? हार्ड डिस्क ढूंढनी है, सर्च द हार्ड डिस्क। ओके छोड़ के हंसी टिटोली, चलो अंदर। एक मिनट सब क्या चल रहा था भारी? इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे तुम लोग? नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे पुष्पा जी, सर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, हसीना मैडम बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सलामत हमारे बीच है, यही बोली थी ना करिश्मा मैडम करने के लिए। हाँ बोले थे, ये बोले थे करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि मोहल्ले के रामलीला के रावण की तरह ऐसा घटिया एक्टिंग करने के लिए, जिससे कि सामने वाले को एक सेकंड में पता चल जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। हमें करना है तो सामान्य एक्टिंग करो ना, पुष्पा जी की तरह ये क्या ओवर एक्टिंग का सुनामी ला रहे थे आप सब बाहर? अब हम कहाँ से आ गए बीच में? सामान्य एक्टिंग करो ताकि किसी को कुछ खबर ना हो, समझ रहे सब हमारी बात को? जी मैडम। ये नाटक हमको जारी रखना है ताकि दुश्मन का गतिविधि बढ़े और हमको समझ में आए कि ये कांड किसने किया और हमारी पकड़ में वो आए, समझ गए सबकी सब? समझ गए, आप भी सामान्य रहिए, इतना गुस्सा दिखाते हैं जैसे ये देवगन वाली आंखें राक्षसगण को दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा यही डेली रूटीन है, समझ गए, सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह ऐसी रहती है।
इस गोलियों के खोल की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकालो, इसका कैलिबर, बोर, मेड, हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी, और सब गोपनीय तरीके से, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझ गए? करिश्मा मैडम, मुझे लगता है इस काम के लिए मीरा मैडम एकदम ठीक रहेगी, काम भी हो जाएगा और इसको भनक भी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो संतु, कि कहाँ है मीरा, कहाँ है? मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हूँ मीरा? मीरा, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तुम मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हो? कुछ पूछा हमने? इन गोलियों के खोल का बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए हमको अब भी। ओके। मैडम, डीएसपी सर का फोन आया। चलो। जी सर, एक मिनट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हसीना मलिक जी से बात करने के लिए हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई? हैं करिश्मा सिंह जी, अरे हसीना मलिक जी से बात कराइए, समझ रही हैं आप? हम सब जानते हैं। मैडम सर ना सर, हाँ हाँ, यही हमारे साथ में खड़ी है मैडम सर, आप बात कीजिए। मैडम सर, ये डीएसपी सर का फोन है, आप बात कीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे कहाँ है हसीना मलिक जी आप? है कैसे सर आप? हमने राजमा चावल भिजवाया था आपके लिए, खाया आपने, पसंद आया आपको? मतलब पुष्पा जी ने बताया कि आपके लिए राजमा चावल भिजवाए थे उन्होंने, वो खाए आपने, कैसे लगे आपको, हम ये पूछ रहे थे। कैसी बात कर रही हैं, आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है, हैं? आप पुष्पा जी की तरह क्यों बात कर रही हैं? अरे भाई, राजमा चावल का हाल चाल आप कब से पूछने लगी मिस मलिक? खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है ना सर, सुबह शाम साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, थोड़ा तो असर होगा ही। खैर, आपने किस लिए फोन किया था सर? अरे कल से हम फोन ट्राई कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है ना, बात ही नहीं हो रही आपसे। हाँ, वो पानी में गिर गया था ना हमारा फोन, रिपेयरिंग के लिए दिया है, बस एक दो दिन में आ जाएगा वापस। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़े। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कुछ, तो हम थाने ही आ रहे थे, तो सोचा कि आने से पहले एक बार फोन कर ले, हैं? नहीं सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? क्या? क्योंकि हम थाने में है ही नहीं ना। थाने में नहीं है? कैसी बात कर रही है मिस मलिक, हम सब जानते रहे, हमने लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ सर, वो क्या है, हम बस निकल ही रहे थे ना, और तब तक आपने फोन किया, तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। कल कोर्ट जाना है सर। कोई बात नहीं, परसों मिल लेते हैं। नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग है सर हमारी। कभी तो वक्त होगा आपके पास, हम सब जानते हैं, जब आपके पास वक्त होगा तब मिल लेंगे। फिलहाल तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे सर। और क्या है, हमारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हमें उनको लेकर बैंगलोर भी जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं रहते हैं ना, तो और किसी को तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पता नहीं वहाँ से कब हम फ्री होंगे। हम जैसे फ्री होंगे हम आपको खुद सामने से कॉल करेंगे ना, फिर मिलते हैं इत्मीनान से। ठीक है भाई, जब फ्री हो जाइएगा तो बताइएगा, और सुनिए, अपने अम्मी का खास ख्याल रखिएगा, दवाई दर्पण अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी जरूर सर। जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you.
में से 3 गोलियां गायब। मतलब मैडम सर को मैंने शूट किया है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम सर, ये नहीं होना चाहिए था। हेलो, ऐसा कब तक चलेगा मानू? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ है मैडम सर के साथ। ये जब तक चलेगा तब तक हमें नहीं पता चल जाता कि वो कौन है लोग जिन्होंने मैडम सर का जान लिया है। मैडम लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसा बहुत लंबा तो नहीं चल सकता है ना। क्या सोच रही हैं आप, क्या करेंगी आप, कुछ सोचा है? मीरा को हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने को कहा था। मीरा, मीरा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? काहे जरूरत नहीं है? क्योंकि पता चल गया है कि मैडम सर को किसने शूट किया है। किसने, किसने शूट किया मैडम सर को? मैंने। ये 3 गोलियां मेरी गन से मिसिंग है। इसका यही मतलब है कि मैडम सर पर गोलियां मैंने चलाई हैं। उन्हें मैंने शूट किया है। क्या क्या बेहुदा मजाक कर रही हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? मैं मजाक नहीं करती, ये सच है। मैडम सर को मैंने मारा है। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मुझे हैक किया, मेरे सिस्टम को ओवरपावर किया, मुझे कमांड दिया और मुझे हसीना मैडम को मारने के लिए प्रोग्राम किया। कौन किया आपके साथ ऐसा? कौन है वो? मैं नहीं जानती। जिस किसी ने भी ये सब किया उसने मेरी मेमोरी इरेज कर दी। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है और मुझे कमांड देकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है। सो राइट नाउ आई एम अ थ्रेट टू यू ऑल। आप सभी को मुझसे खतरा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाए। मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम सर को मारने की? तुम्हारी वजह से मैडम सर नहीं है इस दुनिया में। तुम मैडम को मार मार के ना तुम्हारा पूजा पूजा कर देंगे। आप मुझे मार सकती हैं अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मशीन हूं। आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, मुझे दर्द नहीं होता। इस समय मुझे परमानेंटली एलिमिनेट करने में ही आप सबकी सेफ्टी है और भलाई भी। सो प्लीज मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दीजिए। बच्चे की तरह प्यार करती थी मैडम सर। तुम्हारे अंदर जज्बात डाल रही थी, तुमको इंसान बनाने का कोशिश कर रही थी मैडम सर। और क्या किया तुमने मैडम सर के साथ? निकाल, निकाल।
कैसे तुम? संभालिए संभालिए अपने आप को। क्या संभालिए? खा गई हमारी मैडम सर को। क्या संभालिए? इसको हटा यार हमारे सामने से। मैडम ये मशीन है, सही और गलत का फर्क इन्हें नहीं पता चलेगा। इन्हें जो ऑर्डर दिया जाएगा वो वही फॉलो करेंगी। संतु आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये अभी भी अपना परित्याग करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। मशीन है फिर भी इसे हमारी परवाह है। हाँ मैडम, और यही तो जज्बात है जो हसीना मैडम इसमें डालना चाहती थी। अरे क्या हो गया आप लोगों को? हाँ नहीं मतलब दिमाग भरा गया क्या सबको? उसने जान ली है हमारी मैडम सर की। मशीन है तो मशीन जान तो ले ली ना उसने। कल को हमारी जान ले लेगी, कल को संतू की जान ले लेगी, कल को चीते की ले लेगी, बिल्लू की ले लेगी, तब भी आप यही बोलेंगे कि मशीन है, कोई बात नहीं, जान ही तो लिया उसने। हाँ पुष्पा जी ये सही कह रही हैं, मुझे एलिमिनेट करना ही ठीक होगा, मुझे खत्म होना ही चाहिए वरना सब खत्म हो जाएगा। पहली बार तुमने पते की बात की है, जाओ लेकर आओ इसको, कैसे डिसमेंडल करते हैं करो अभी के भी। वो क्या देख रही हो? हमारा ऑर्डर है हमारा, जाओ लेकर आओ जो भी सामान है इसका। कांस्टेबल संतोष शर्मा प्लीज मेरा ऑपरेशनल सिस्टम लेकर आइए। करिश्मा मैडम आप जानती है ना कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो मीरा मैडम का सिस्टम हमेशा के लिए स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, फिर ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। यही चाहते हैं कि ये कभी एक्टिव ना हो पाए, हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई मैया की आप समझ क्यों नहीं रही है? अगर आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी आप पर, मीरा को मारने का इल्जाम आप पर लग जाएगा, आपकी नौकरी, आपकी वर्दी, आपका पोस्ट सब आपसे छीन लिया जाएगा। छीन सब चला जाए पुष्पा जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी, अभी हमें ये हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए बस। नहीं 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 करिश्मा मैडम, इनका सिस्टम फिर से किसी ने हैक किया, कोई इन्हें कमांड दे रहा है, ये आपको भी गोली मार सकती है। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बंदूक क्यों तना हुआ है? I will explain to you, sir. अरे अब मैं आपको शूट करूंगी, उसके बाद इन सभी को शूट करूंगी, सबको जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक तना हुआ है तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ, सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। मगर सर आप आए क्यों यहाँ? हमने कहा था ना कि हम यहाँ नहीं हैं। आपने कहा था? मतलब मैडम सर ने कहा था ना कि वो यहाँ नहीं है, मतलब हम थे वहाँ, हमने सुना, फिर आप क्यों आए सर यहाँ? अरे मैं आया थोड़ी हूँ, मुझे बुलाया गया है। मीरा ने मुझे फोन करके कहा कि अर्जेंट है, जल्दी आइए, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। हेलो डीएसपी सर, मैं एएसआई मीरा, क्या आप महिला पुलिस थाने आ सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ थाने पहुंचिए। डीएसपी सर सही कह रहे हैं, इन्हें फोन करके मैंने ही यहाँ बुलाया है। काहे बुलाया तुमने? ताकि इन्हें पता चल सके कि मैं आप सबसे कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप इंसान क्या समझते हैं कि हम मशीनों को बनाकर हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। इंसान मशीनों को नहीं, मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करेंगी, उन पर राज करेंगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को जान से मार दूंगी, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। करिश्मा मैडम मुझे रोकना चाहती थी,
इसीलिए मुझ पर अपनी गन पॉइंट की थी। करिश्मा सिंह देख क्या रही हो? अरे मुझे इस आफत से बचाओ, नहीं तो मुझे जान से मार देगी ये। ये मुझे नहीं रोक सकती, मैं सबको मार डालूंगी। ये जानती है कि मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे हाथ में जो बटन है उसे दबाना और मुझे परमानेंटली डिसमेंटल करना। लेकिन ये मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि आप पर कोई इल्जाम ना आए, समझ रही बाप? जानती है वो अगर यहाँ रही तो कभी भी हैक हो सकती है और उससे हम सबकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपना त्याग कर रही है। हसीना मैडम को मारकर जो गलती की है उसने उसका प्रायश्चित कर रही है। देखिए यही तो है उनके जज्बातों का जादू। कसूर क्या कर रहे हो आप लोग? अरे मेरी जान बचाओ। सर उसके लिए हमें वो बटन दबाना हो। अरे जो भी बटन दबाना है दबाओ, नहीं तो ये ट्रिगर दबा देगी और मैं उड़ जाऊंगा। नहीं सर, वो फिर डिसमेंटल हो जाएंगे, आप डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा पूरा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी जान थोड़ी दूंगा। अरे जो भी डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, लेकिन मेरी जान बचाओ। क्या आपका ऑर्डर है सर? हाँ मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। करिश्मा सिंह, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मशीन के अंदर इंसानी जज्बात कभी नहीं भर सकते। कुछ भी कर लो, आखिर है तो ये टीम के डब्बे ना, ये इंसानी जज्बात क्या समझेंगे? करिश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच हमारी जान बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। टीन का डब्बा नहीं, ये मीरा थी सर, जिसे हमने पहचानने में थोड़ा भूल कर दी। लेकिन देखिए ना मैडम, सर यहां भी जीत गए। एक मशीन के अंदर जज्बात भर दी उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तुमसे ये कहेंगे मीरा कभी, लेकिन मिस करेंगे तुमको। एक महीने से हम देख रहे हैं, इससे पहले अंधा था क्या? सीरियस नोट है। फनी नोट भी आते हैं क्या? हसीना मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं। अबे झापड़ी के, देखने वाली बात यह है कि जो मैडम सर हर रोज हमको दिखती थी, एक महीना हो गया दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुम लोग का मजिस्ट्रेट है का कि तुम लोग से परमिशन लेकर कहीं जाएंगी? सरकारी नौकरी है, जाना पड़ता है इसे कभी कभार बिना बताए किसी को कहीं भी। बाकी वो कहाँ गई हैं, कब गई हैं, कैसे गई हैं और कब तक वापस आएंगी, ये बात खाली करिश्मा मैडम को पता है।
कहा ऐसी ना, मेरे ना थाने आ रही ना घर पहुंच रही है, अबे कहां गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना उसकी अपनी टीम को भी नहीं पता कि वो कहां गायब हो गई, पता नहीं इस करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को कहां अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। भाईजान और कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं तो बोलता हूँ करिश्मा सिंह को अपनी शक्ल में गणपति पे कल लगेगी ना तो देखते रहे बोलेगी पट 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 कहाँ है हसीना मलिक। सारी दुनिया जानती है कि वो हसीना मलिक को कितना मानती है, मर जाएंगी लेकिन हसीना मलिक के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगी। तो मतलब तू ये चाहता है कि हम ऐसे ही बस ये बुट्टे बुनते रहे, टाइम पास करते रहे? करेंगे ना, सही वक्त तो आने दे। तुझे पता है जब से वो मशीन वाली पुलिस वाली का कांड हुआ है ना, ये और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। अगर इसे जरा भी भनक हुई ना कि हसीना मलिक की जान को खतरा है तो ये हसीना मलिक को कभी बाहर आने नहीं देंगी। और वैसे भी हमें कैप्टन के अगले ऑर्डर का इंतजार करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शर्मिंदा है मैडम सर, इसलिए क्योंकि जब आपको हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और खुद के लिए भी शर्मिंदा है कि आज एक महीना हो गया और हम आपके कातिल को पकड़ने तक तो क्या उनके पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं। हम दिमाग हमारा टोपा रहा है कि वो कब अपने बिल से बाहर निकलेंगे, कब हम उनको पकड़ेंगे और कब हम उनको मार डालेंगे अपने हाथों से। भारी नहीं आ रहे हमारे शिकंजे में ही नहीं आ रहे।